अंग्रेजों की बीमार गाड़ी है। मुझे तो इन फिरंगियों की चाल लगती है, इस अंग्रेजी बीमार गाड़ी में जरूर हथियार होंगे। हाँ लगता है। मुमकिन है। ये बैंक की गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस है। हम जानते हैं, हमें इसकी तलाशी लेनी है। तुम होते कौन हो तलाशी लेने वाले? वाले खान होंगे। मैं एक डॉक्टर हूं और मरीज को अस्पताल ले जा रहा हूं। बहस मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। मरना चाहते हो? मरना सिर्फ तुम ही लोगों को नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? राम कृष्ण सिन्हा। रामकृष्ण से नाम। तुम आदमी बहादुर हो। जो आदमी मरने से नहीं डरता वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम इस गाड़ी की तलाशी जरूर लेंगे। देख, हम वतन मरीज और वो अंग्रेज की बीमार गाड़ी में। कौन है ये? जमाल खान। हाँ साहब, सरकारी ठेकेदार हैं और इनका एक कहवा खाना भी है, नाज कहवा खाना। ऐसा पठान है तू जो फिरंगियों की ठेकेदारी करता है, एक कावाखाना चलाता है जहां पर शराब और औरतों की इज्जत बिकती है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। वाले खान, मैंने सुना था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो बुजदिल निकले। डॉक्टर, अगर तुम मरीज पर गोली चला सकते हो तो तुम्हें आजादी की लड़ाई जीतने या आजादी की लड़ाई में शहीद होने का कोई हक नहीं। मेरे मरीज पर गोली चलाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलाओ गोली वाले खान। तुम सच्चे आदमी लगते हो डॉक्टर सिन्हा। पाल खान तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मैं भी इस दोस्ती को कबूल करता हूं पाल खान, भगवान ना करे, लेकिन कभी इत्तेफाकन मेरी जरूरत पड़ जाए तो आजमा कर देगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे पाले, जीते रहो बेटा। बाबा जान, बाबा जान के साथ ये कौन होगा मम्मी? ये है करीमुद्दीन खान और ये है तेरा मामू गद्दार मोहम्मद जमाल खान। मोहम्मद जमाल। उस दिन के बाद इसकी कोई खबर नहीं, पता नहीं दो तक जिंदा है कि मर। जिंदा है पाले खान के हाथों मर। हाँ साहब, का शहर में कहवा खाना भी है, नाज कहवा खाना। मोहम्मद जमाल खान। मैं तुम्हें मस्जिद में जाने से पहले भी मार सकता था, पर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ने का मौका दिया, जो मौका तुमने मेरे अब्बा जान को नहीं दिया था। तुम्हें अपना दोस्त खान अली हसन खान तो याद होगा, मोहम्मद जमाल, और यह खंजर भी याद होगा, यह खंजर जिस पर मेरे अब्बा के बेगुनाह नमाजी खून के धब्बे आज तक मौजूद हैं, क्योंकि उन धब्बों को धोने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जरूरत थी। रहम पाले खान, रहम। रहम? रहम और तुम पर? रहम मेरी मां के सर पर सफेद चादर डलवाने वाले पर? रहम मुझे यतीम करने वाले पर? रहम उस मुसलमान पर जिसने खान अली हसन खान जैसे पाक इंसान को सजदे में शहीद किया? नहीं मोहम्मद जमाल खान, अगर मैं तुम पर रहम करूंगा तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं पाले खान, नहीं, मैं तुम्हारा मामू पाले खान। मामू जमाल खान, मैं इस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली तमाम नमाजों को गवाह बनाकर तुम्हें अल्लाह के पास भेजता हूं।
बाबा बाबा ये आपको क्या हुआ बाबा बाबा खुदा के लिए बतलाइए आपका यह हाल किसने किया किसने किया आपका यह हाल वाले एक खुशखबरी सुनो हसन खान तुम्हारे पाले ने जमाल खान को मार डाला अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया अब तो तुम्हारी रूह को सुकून मिल रहा होगा शायद एक ऐसी नस्ल के लोग हैं जिनकी तकदीर में सिर्फ इंतकाम लेना लिखा है आज एक इंतकाम खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया मगर वो था कौन सूरत तो नहीं देखी पर था वो गद्दार गुलबाज हकीम साहब गोली इनके सर में पेवस्त हो चुकी है नस में चोट लग जाने की वजह से इनकी आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है उम्मीद है ऑपरेशन से ठीक हो जाए मगर यह सब शहर में ही मुमकिन भी है भगवान ना करे लेकिन कभी इसके कातन में जरूरत पड़ जाए तो आजमा कर देख लेना शाहजी यह फर्ज बेटे का है मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारी जान हम सबकी जान से ज्यादा कीमती है लाले ताई खानम के साथ मैं जाऊंगा नहीं जुलेखा जाएगी मेरे साथ नहीं अम्मी ये नामुमकिन है तो फिर मैं जाऊंगी नहीं अच्छा माँ मैं जुलेखा को बुला के लाता हूँ नहीं बेटे तू नहीं पहले खान जाएगा जुलेखा को बुलाने ठीक है अम्मी जुलेखा 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 अम्मी जख्मी हो गई उन्हें शहर भेजना है और अम्मी जिद कर रही हैं कि वो जाएंगी तो तुम्हारे साथ जुलेखा जुलेखा अम्मी की जान खतरे में है ठीक है चुप बैठे रहे अम्मी का खून तेरे साथ ठहरा मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही पाले मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी मैं तू अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहा है जिद मत कर अम्मी ठहर पाले अम्मी को मैं ले जाऊंगी आ गई मेरी बेटी आज नीचे उतर खाला खानम को मैं ले जाऊंगी जा जा तू जुलेखा तुम क्वेटा मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर सिन्हा से मिलना कहना कि ये पाले खान की अम्मी है मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा सर आपसे एक औरत मिलना चाहती है बाहर घोड़ा गाड़ी के पास खड़ी है ठीक है चलो मैं आता हूं आपने मुझे बुलाया आप डॉक्टर सिन्हा हाँ ये पाले खान की माँ है जख्मी हो गई है आप फिक्र मत कीजिए मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूं इधर आओ इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो जी सर अरे गुलवास खान कैसे हो अल्लाह पाक की मेहरबानी है हॉस्पिटल कैसे आना हुआ मेरा हबीब कैप्टन क्रिस्टो इधर आपका मेहमान है अच्छा अच्छा रूम नंबर 12 में शुक्रिया अच्छा डॉक्टर हाँ? सुना है कि आपकी माँ बीमार है और इसी अस्पताल में है हाँ जी हाँ आप कैसी हैं वो
अभी बेहतर हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं सर, वो सो रही हैं। ओह, मेरा उनसे अदाब कहिएगा। जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा। वहां उस कमरे में जाइए। अच्छा। कौन? डॉक्टर बेटे जी। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं देख सकूंगी ना? जी हाँ। पाले खां की जवानी देखना चाहती थी तो देख ली, पर अब मैं तुम्हें देखना चाहती। पहले मैं एक ही बेटे की माँ थी, पर अब दो बेटों की माँ हूं, पाले खां और तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सिन्हा का कमरा कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर पे जाके बाएं से दूसरा कमरा। शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम बिरादर सिन्हा। पाले खान, तुम क्यों है? अम्मी कैसी हैं? जुलेखा नहीं मिली? जुलेखा क्यों? अम्मा बिल्कुल ठीक है, गुलबाज खान ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इस खबर का जाल फैलाया और तुम उसके जाल में फंस भी गए। बेवकूफ, इतना भी नहीं सोचा अगर अम्मा की तबीयत खराब होती तो मैं खुद तुम्हें खबर पहुंचाता। लेकिन बिरादर, बहस मत करो, मैं कहता हूं इस खिड़की से बाहर निकलो। यहां तक आया हूं तो अम्मी को देखे बिना नहीं जाऊंगा। महीनों से जीने और जीतने की दुआ नहीं ली उनसे। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सो रही है पाले खान, उन्हें सोने दो। चलो। माँ के चेहरे की ज़ियारत तो काबे की ज़ियारत के बराबर होती है बिरादर, और काबे को बोसा दिए बिना मैं नहीं जा सकता। खुशामदीद पाले खान। डॉक्टर सिन्हा, तुम्हारी गद्दारी तो हमें पहले से ही मालूम हो चुकी थी, लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम दोनों को साथ में खत्म करें। पाले खान, तुम्हें यह अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था कि हमारे बाप का खून एक दिन जरूर रंग लाएगा। जुलेखा तुम हो? हाँ, लेकिन तुम? सुना है मजलिस में कल तुम्हारा मुकदमा पेश होगा, क्या मजलिस के पूछने पर तुम बच्चे के बाप का नाम बता दोगी? वो नहीं पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो? सायरा मिस्री, अगर तुमने बच्चे के बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारे पाले खान की मां नाहक मर जाएगी। तुम्हें किसने बताया? मोहम्मद गुलबाज खान ने। पाले खान की जान तो अब कोई नहीं बचा सकता जुलेखा, मगर वल्ला फातिमा खानम की जान अब तुम्हारे हाथ में। खुदा हाफिज। और उसने कहा है कि अगर तुमने उसका नाम ना लिया तो फातिमा खानम खैरियत के साथ मांडोखील पहुंचा दी जाएंगी।
कहां ले जा रहे हैं हम? कैसे तो हैं अदालत ले जा रहे हैं, मुकदमा चलाएंगे, मगर मुझे इन रास्तों से मौत की महक आ रही है। मेरी खातिर अपनी जान? नहीं पहलवान, नहीं, तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुमने मुझे अपने वतन की खातिर शहीद होने का मौका दिया है पहलवान।